होगा कि कुछ लोगों के बाल लंबी उम्र तक भी काले बने रहते हैं, स्पेशली साउथ इंडियंस के बाल लंबी एज तक काले और घने रहते हैं। वहां बड़ी उम्र की लेडीज को या मेंस को भी आप देखेंगे तो उनके बाल काले होते हैं और बालों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। इसका राज छुपा है उनके यूज किए गए नुस्खों में, और ये नुस्खे इतने ज्यादा सिंपल है, इतने इफेक्टिव होते हैं कि हर कोई इनको घर में बना भी सकता है आराम से और इनको इस्तेमाल भी कर सकता है और पा सकता है साउथ इंडियंस के जैसे काले घने और खूबसूरत बाल। तो आज एक ऐसा ही ऑयल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपके बाल समय से पहले सफेद हो रहे हैं, बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, पतले हो रहे हैं, तो ये तेल आपके बालों पर 100% वर्क करेगा। तो चलिए देखते हैं इस तेल को कैसे तैयार करना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ चीजें बता रही हूँ जो आपको इकट्ठी करनी है। सबसे पहली चीज जो हमें लेनी है वो है करी पत्ता यानी करी लीव्स। दोस्तों करी पत्ता में होता है प्रोटीन और बीटा कैरोटीन जो कि आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करता है और साथ ही आपके बालों को सफेद होने से भी बचाता है। तो इसमें हम एक मुट्ठी के बराबर करी पत्ता लेंगे। अगली चीज जो आपको इसमें ऐड करनी है वो है मेथी दाना। मेथी के बेनिफिट्स कौन नहीं जानता है, ये बालों को घना बनाती है, आपके हेयर फॉल को रोकती है, बालों को सफेद होने से भी बचाती है, डैंड्रफ को खत्म करती है, स्प्लिट एंड्स को दूर करती है, ऑलमोस्ट आपके बालों की हर प्रॉब्लम का सलूशन है ये मेथी दाना। तो इसमें हम एक चम्मच मेथी दाना ऐड करेंगे। अगला इंग्रेडिएंट जो हमें लेना है वो है कलौंजी। मेथी दाना की तरह ही कलौंजी भी आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करती है, आपके व्हाइट हेयर्स को ट्रीट करती है, बालों के मेलेनिन को रिस्टोर करती है जिससे आपको मिलते हैं काले और घने बाल। इसके बाद जो अगली चीज हमें इसमें ऐड करनी है वो है चाय पत्ती। कोई भी चाय पत्ती जो आप यूज करते हैं घर में आप इसमें ऐड कर सकते हैं। दोस्तों चाय पत्ती एक ऐसा घरेलू नुस्खा है जो कि न सिर्फ आपके सफेद बालों को काला करता है बल्कि बालों का झड़ना भी तुरंत रोकता है। ये आपके बालों को मजबूती भी देती है और बहुत अच्छी चमक भी देती है और नेचुरल ब्लैक कलर देती है आपके बालों को। तो इसमें हम 2 चम्मच चाय पत्ती ऐड करेंगे। तो अब इन सभी चीजों को हम एक ग्राइंडर जार में डाल करके इसको ग्राइंड कर लेंगे और इसका एक पाउडर तैयार करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इन सभी चीजों को ग्राइंड कर लिया है और एक फाइन पाउडर तैयार कर लिया है। तो अब आपको एक कांच की शीशी ले लेनी है। कोई भी कांच की शीशी आप ले सकते हैं। उसको सबसे पहले अच्छे से धो करके उसको सुखा लें क्योंकि अगर इसमें थोड़ा सा भी मॉइस्चर होगा तो जो तेल हम तैयार कर रहे हैं वो खराब भी हो सकता है। अब जो पाउडर हमने तैयार किया है वो इस शीशी में ट्रांसफर कर देंगे और पाउडर डालने के बाद में आपको इसमें ऐड करना है आपका फेवरेट ऑयल, चाहे वो सरसों का तेल है, कोकोनट ऑयल है या फिर बादाम का तेल। कोई भी तेल आप इसमें मिला सकते हैं जो कि आपके बालों को सूट करता है। पर ध्यान रखिए कि जो भी तेल आप इसमें ऐड कर रहे हैं उसको पहले आपने हल्का गर्म करना है और हल्का गर्म तेल ही आपको इसमें मिलाना है। तो मैं यहाँ पर इसमें नारियल का तेल डाल रही हूँ। तेल को पहले मैंने हल्का गर्म कर लिया है, उसके बाद ही आपको इसमें ऐड करना है। तेल डालने के बाद में इसको अच्छे से एक बार चला लें और इस शीशी को बंद करके आपको इसे 2 दिन के लिए धूप में रख देना है। धूप की गर्मी से जो इंग्रेडिएंट्स हमने डाले हैं वो तेल में अच्छे तरीके से इन्फ्यूज हो जाएंगे और उसके जो भी फायदे हैं वो इस तेल के अंदर आ जाएंगे। तो 2 दिन के लिए आपको इसे धूप में रखना है और उसके बाद ही आपको इस तेल को इस्तेमाल करना है। तो आप देख सकते हैं कि 2 दिन के लिए मैंने इसको धूप में रखा था और अब इसका जो कलर है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। सभी इंग्रेडिएंट्स के फायदे जो है वो इस तेल के अंदर आ चुके हैं और 2 दिन धूप में रखने के बाद में आप इस तेल को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तेल को छानने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसी तरह से तेल को निकालिए और डायरेक्टली अपने बालों की जड़ों में इसको लगाइए जिससे जो भी इंग्रेडिएंट्स हमने डाले हैं उनकी गुडनेस आपके बालों को मिल सके। और अच्छे तरीके से बालों में मसाज करने के बाद में 2 घंटे के लिए इसको छोड़ दीजिए, चाहे तो ओवरनाइट के लिए इसको छोड़ दें बालों में। और 2 घंटे के बाद में आप बालों में शैम्पू कर सकते हैं। जब भी आपको हेयर वॉश करना हो इसी प्रोसीजर को फॉलो करें। ये तेल न सिर्फ आपके बालों को सफेद होने से रोकता है बल्कि बालों का झड़ना बंद करता है, बालों को काला, घना और लंबा भी बनाता है। आई होप गाइज आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मैं आपसे मिलती हूँ।